महिला समिति बीटीगंज अपना 104वां वर्ष बड़े ही धूमधाम के साथ मना रही है। गंगा स्नान के पश्चात ध्वज को बीटीगंज रंगमंच स्थल पर स्थापित किया जाएगा। ये मान सकते हैं कि प्रदेश में सबसे बड़ी ये रामलीला हर वर्ष होती है। हर बार भव्य और दिव्य रामलीला बीटीगंज समिति करती है और इस बार भी कोशिश करेंगे कि पिछले साल से अच्छा नाट्य रूपांचन जो भी होगा उसे करें। बड़े ही हर्ष का विषय है, रामलीला समिति बीटीगंज अपना 104वां वर्ष बड़े ही धूमधाम के साथ मना रही है। इसी के निमित्त रक्षाबंधन पर हमारा ध्वजारोहण का कार्यक्रम प्रतिवर्ष बनता हुआ आ रहा है, जो इस वर्ष भी है। ये शोभा यात्रा पंचायती धर्मशाला से प्रारंभ होकर नगर भ्रमण करते हुए आतिशबाजी और अपना ढोल नगाड़ों के साथ रंगमंच स्थल बीटीगंज पर पहुँचेंगी। गंगा स्नान के पश्चात ध्वज को बीटीगंज रंगमंच स्थल पर स्थापित किया जाएगा और तत्पश्चात अक्टूबर में रामलीला का आयोजन शुरू होगा। बॉम्बे और दिल्ली के बहुत ही सुंदर कलाकार, मतलब आप ये मान सकते हैं कि प्रदेश में सबसे बड़ी ये रामलीला हर वर्ष होती है, जिसका प्रारूप बहुत बड़ा है, वो अब की बार भी उसी प्रारूप में होगी। और आप देखेंगे नगर में विभिन्न विभिन्न शोभा यात्राएं निकलेंगी। श्री राम जी की बरात की शोभा यात्रा होगी, दशहरे का बहुत ही सुंदर पुतला दहन का कार्यक्रम होगा और भरत मिलाप की बहुत सुंदर शोभा यात्रा होगी। ताड़ का वध का बहुत अच्छा यहाँ पर दृश्य दिखाया जाएगा। रुड़की नगर पूरा उस समय राम में हो जाता है और बहुत ही सुंदर सुंदर झांकियाँ दिल्ली और बॉम्बे और मुजफ्फरनगर के कलाकारों द्वारा दिखाए जाते हैं। मैं बता रहा हूँ ना, बॉम्बे के कलाकार हैं, टीवी कलाकार हैं, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे आप लाइव अपने एलईडी के सामने बैठे हुए हैं, रामलीला देख रहे हैं। इतना सुंदर दृश्य आपको महसूस होगा। टीवी के कलाकार हैं, वो सोनी टीवी पर भी आते हैं और सब टीवी पर भी आते हैं। रामलीला भैया अभी उसकी डेट फिक्स नहीं हुई है, 11 या 12 अक्टूबर से रामलीला हमारी मंचन शुरू हो जाएंगे जी। मैं हम प्रारंभ कर चुके हैं, आज भगवान श्री राम जी की लीला स्टार्ट होगी। उसका सबसे पहले हम पूर्णिमा के दिन, वैसे तो रक्षाबंधन होते हैं लेकिन रक्षाबंधन हम भ्रम हो गया कि कल को भी हो सकती है, आज भी, तो आज पूर्णमासी है, तो पूर्णमासी के दिन हम भगवान श्री राम जी के कार्य को शुरू कर रहे हैं। हनुमान जी की पताका से स्टार्ट होगी, हनुमान जी की अभी ध्वजा पूरे शहर में भ्रमण करके बीटीगंज इस रंगमंच स्थल पर इसको स्थापित करा जाएगा और आज से भगवान प्रभु श्री राम जी का कार्य स्टार्ट करा जाएगा। हर बार भव्य और दिव्य रामलीला बीटीगंज समिति करती है और इस बार भी कोशिश करेंगे कि पिछले साल से अच्छा नाट्य रूपांचन जो भी होगा उसे करें और पुतले दहन करेंगे दशहरे पर। और बाकी अगर कोई हमें कोई व्यूज़ देना चाहता है तो वो भी हमें दे सकता है, उसका सादा निमंत्रण है। अगर कोई इसे और अच्छा बेहतर हम कैसे कर सकते हैं कोई अगर हमें बता सकता है तो हम तैयार हैं। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।